फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार कौर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्विंग मॉडल के मॉडल नंबर 4 पर। दोस्तों, कैंडल नोटेशन के अकॉर्डिंग इसका जो नोटेशन है वह है हमारे पास MMS इनफाइनाइट FCFS। दैट मीन्स यहाँ पर अराइवल और डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन मार्कोवियन है। एस का मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो हमारा सर्वर है, जो सर्विस चैनल है, वो यहाँ पे मल्टीपल है। दैट मीन जो सीरीज में हमारे पास सर्विस चैनल है वो एक से ज़्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। इनफाइनाइट है, दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हो सकते हैं। और FCFS का मीनिंग होता है जो सर्विस डिसिप्लिन है वह है हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तब P0 का जो फार्मूला है वह है हमारे पास है समेशन n इक्वल टू 0 टू s माइनस 1 s रो पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस s पावर s डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल s इंटू रो पावर s डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो एंड होल पावर माइनस 1। यहाँ पर दोस्तों जो रो की वैल्यू है वह है हम निकालते हैं लेमडा अपॉन s म्यू से। जनरल जो इसका अगर फार्मूला देखें पी एन का, तब हमारे पास फार्मूला बनता है 1/n फैक्टोरियल लेमडा अपॉन म्यू होल पावर n P0। ये जो हमारा फार्मूला ये तब बनता है जब n की वैल्यू 0 से लेकर s माइनस 1 तक होती है। तब यदि n की वैल्यू s से लेकर आगे होती है तब यहाँ पर पी एन का फार्मूला बनेगा 1/s फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/s पावर n माइनस s इंटू लेमडा अपॉन म्यू पावर n P0। मॉडल 4 के मीजर्स के बारे में अगर बात करें तब यहाँ पर एल क्यू निकालते हैं। एल क्यू का मीनिंग होता है लेंथ ऑफ द क्यू। इसका फॉर्मूला है रो इंटू एस रो पावर एस डिवाइडेड बाय एस फैक्टोरियल 1 माइनस रो होल स्क्वायर P0 इक्वल। अब यदि दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मीनिंग है कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तब यहाँ पर रो डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो का स्क्वायर लिख सकते हैं हम एस रो। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला है कि रो इक्वल टू क्या है लेमडा अपॉन एस म्यू। यदि हम एस का मल्टीप्लाई यहाँ पर करें तब हमारे पास क्या हो जाएगा एस रो इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू। तब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं एस रो की वैल्यू लेमडा अपॉन म्यू। तब यहाँ पे हमने लिख दिया लेमडा अपॉन म्यू और पावर में क्या हो जाएगा एस डिवाइडेड में क्या चल रहा है फैक्टोरियल एस और मल्टीप्लाई में P0। अब यहाँ पे आप देखिए इतना अगर हम देखें तब यहाँ पे क्या है एन है और यहाँ पर भी एन है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पी एन। यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल में एस है, पावर भी क्या है एस। तब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं पी एस। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे टर्म को पी एस और साथ में क्या चल रहा है रो 1 माइनस रो का स्क्वायर। तब एल क्यू के यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हो जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास एल एस। एल एस का मीनिंग होता है लेंथ इन द सिस्टम इक्वल टू एल क्यू प्लस लेमडा अपॉन म्यू। थर्ड है हमारे पास डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू क्यू का मीनिंग होता है वेटिंग टाइम इन द क्यू। इसका फॉर्मूला है एल क्यू डिवाइडेड बाय लेमडा। और यहाँ पे एल क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल क्यू का फॉर्मूला हम यहाँ से देख सकते हैं या फिर ये वाला लिख सकते हैं। तब एल क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी एस। इसको भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं। एल क्यू की वैल्यू होती है पी एस रो और रो की वैल्यू क्या होती है हमारे पास लेमडा डिवाइडेड बाय एस म्यू। तब यहाँ पे हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाय एस म्यू। और यहाँ पे क्या चल रहा है 1 के डिवाइडेड में, इसको अलग से लिख लेते हैं 1 माइनस रो स्क्वायर। और ये जो लेमडा है इसको भी अलग से लिख लेते हैं 1/लेमडा। अब यहाँ से लेमडा को लेमडा से कैंसिल कर देते हैं तब यहाँ पे क्या बचेगा पी एस 1/s μ 1 - ρ² तो एक फार्मूला हमारे पास यहाँ पे ये हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस का मीनिंग क्या होता है वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। इसका फार्मूला क्या है एल एस डिवाइडेड बाय लेमडा। अब यहाँ पे एल एस की वैल्यू हम रख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम एल एस की वैल्यू रखते हैं तब यहाँ पे लिखा हुआ है 1/λ। एल एस की वैल्यू क्या है हमारे पास एल क्यू प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू। अब हम यहाँ से क्या करते हैं लेमडा कॉमन ले लेते हैं तब लेमडा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा। यहाँ पे हो जाएगा एल क्यू डिवाइडेड बाय लेमडा 1/
म्यू, लैम्डा से लैम्डा हुआ कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ लिखा हुआ है एल क्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा, और एल क्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या होता है, डब्लू क्यू, प्लस में क्या चल रहा है, वन अपॉन म्यू। तब आपके पास एक फॉर्मूला ये हो जाएगा डब्ल्यू एस का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं तब वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तब इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजी पीरियड। इसका फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो पी एस डिवाइडेड बाय वन माइनस रो। यहाँ पर पी एस की वैल्यू क्या है, लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू पावर एस इंटू पी जीरो डिवाइडेड बाय एस फैक्टोरियल। और यदि हम इफिशेंसी ऑफ एम एम एस मॉडल के बारे में बात करें तब इसका जो फॉर्मूला है वह है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर सर्व डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सर्व। अब दोस्तों इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टेलीफोन एक्सचेंज हैज़ टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर्स, द टेलीफोन कंपनी फाइंड्स दैट ड्यूरिंग द पीक लोड लॉन्ग डिस्टेंस कॉल अराइव इन अ पोएसन फैशन एट एन एवरेज रेट ऑफ 15 पर आवर, द लेंथ ऑफ सर्विस ऑन दीज कॉल्स इज अप्रोक्सीमेटली एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन लेंथ 5 मिनट्स। अब हमको निकालना क्या क्या है, फर्स्ट पार्ट हमको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सब्सक्राइबर विल हैव टू वेट फॉर हिज लॉन्ग डिस्टेंस कॉल ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ द डे, और सेकंड हमको निकालना इफ द सब्सक्राइबर विल वेट एंड सर्विस्ड इन टर्न व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। तब दोस्तों प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन दिया रहता है उसमें से हमको अराइवल रेट और सर्विस रेट निकालना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारा जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, एमएमएस मॉडल है, और एस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो सर्विस चैनल है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ए टेलीफोन एक्सचेंज हैज़ टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर्स, मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास एस की वैल्यू है वो टू दी हुई है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेयर एस इक्वल टू टू। अब हम देखते हैं कि हमारा अराइवल रेट क्या है, अराइवल रेट लैम्डा, यहाँ पे अराइवल रेट हमको लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द टेलीफोन कंपनी फाइंड दैट ड्यूरिंग द पीक लोड लॉन्ग डिस्टेंस कॉल अराइव इन अ पोएसन फैशन एट एन एवरेज रेट ऑफ 15 पर आवर। तो ये हमको क्या दिया हुआ है, अराइवल रेट दिया हुआ है 15 पर आवर। अब दोस्तों यदि हम पहले सर्विस रेट को भी देख लें, सर्विस रेट है हमारा म्यू, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेंथ 5 मिनट्स, तो ये हमको मीन टाइम दिया हुआ है, दैट मीन्स म्यू हमको क्या करना पड़ेगा, 1 के अपॉन में करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 1/5 मिनट्स। अब ये हमको मिनट में दिया हुआ है और ये हमको आवर्स में दिया हुआ है, तब हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तब क्या करेंगे हम 15/60, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा 1/4 कॉल पर मिनट, और सर्विस रेट क्या हो गया 1/5 कॉल पर मिनट। अब हम निकाल लेते हैं लैम्डा अपॉन म्यू का रेशो, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/4 और म्यू की वैल्यू कितनी है 1/5, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। अब हम निकाल लेते हैं रो, रो का फार्मूला क्या है हमारे पास, रो का फार्मूला हमने देखा था लैम्डा अपॉन एस म्यू, लैम्डा अपॉन एस म्यू, दैट मीन्स यहाँ पे 1/S मल्टीप्लाई विथ लैम्डा अपॉन म्यू, 1/S की वैल्यू कितनी है 2, लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू कितनी है 5/4, तभी कितना हो गया 5/8। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको फर्स्ट पार्ट निकालना है वो निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सब्सक्राइबर विल हैव टू वेट फॉर हिज लॉन्ग डिस्टेंस कॉल ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ द डे, दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमारा जो सिस्टम है जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो बिजी है। तो हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजी पीरियड। अब इसका फॉर्मूला आप देख रहे हो पी एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो, और पी एस की वैल्यू क्या है लैम्डा अपॉन म्यू पावर एस
इंटू पी जीरो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एस। लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारे पास है, एस की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, पी जीरो की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, पी जीरो की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देयरफोर फर्स्ट कंप्यूट पी जीरो, और पी जीरो का जो फॉर्मूला है वह है हमारे पास समेशन एन इक्वल टू जीरो टू एस माइनस वन एस रो पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस एस पावर एस फैक्टोरियल एस रो पावर एस वन माइनस रो पावर माइनस वन। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, समेशन एन इक्वल टू जीरो एस माइनस वन, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है टू, तो टू माइनस वन दैट मीन्स वन। अब यहाँ पे एस रो, हमको पता है हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या था, रो इक्वल टू लैम्डा अपॉन एस म्यू, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस रो इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला है। लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी निकाली हमने, फाइव बाय फोर, तब यहाँ पे एस रो इक्वल टू क्या है लैम्डा अपॉन म्यू, और लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी है फाइव बाय फोर, तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फाइव बाय फोर और पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस एस की वैल्यू कितनी है टू का स्क्वायर टू एंड फैक्टोरियल में भी टू। रो, रो की वैल्यू कितनी है फाइव बाय एट, और यहाँ पे पावर कितना है एस का, पावर है यहाँ पे एस की, दैट मीन्स इसके ऊपर पावर है स्क्वायर की, एंड वन माइनस रो दैट मीन्स वन माइनस फाइव बाय एट, और ये जो होल पावर है माइनस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है समेशन एन इक्वल टू जीरो टू वन है, दैट मीन्स यहाँ पे एक बार एन की वैल्यू जीरो रखाएगी और एक बार वन रखाएगी। यदि हम यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो रखते हैं तब फाइव बाय फोर है इसके ऊपर जीरो की पावर और फैक्टोरियल जीरो, तब ये दोनों हो जाएंगे वन, तो फर्स्ट टर्म इसकी आ गई है वन प्लस। अब यदि हम यहाँ पे वन रखते हैं तब भी क्या आएगा फाइव बाय फोर प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तब टू का स्क्वायर दैट मीन्स फोर फैक्टोरियल टू मीन्स टू मल्टीप्लाई फाइव बाय एट का स्क्वायर है, तब क्या जाएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाय, इसमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तब एट माइनस फाइव दैट मीन्स थ्री डिवाइडेड बाय एट और होल स्क्वायर सॉरी होल पावर माइनस वन है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, वन प्लस फाइव बाय फोर प्लस फोर बाय टू इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर, इसको रिवर्स कर देते हैं एट बाय थ्री पावर माइनस वन। इसको सॉल्व करते हैं, ये एट से सिक्सटी फोर कैंसिल हो जाएगा, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा और एक बार ये कैंसिल हो जाएगा फोर। अब यहाँ पे बचा है वन प्लस फाइव बाय फोर प्लस यहाँ पे बचा हुआ है ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेल्व पावर माइनस वन। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तब यहाँ पर एलसीएम आएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस वन, इसका एडिशन आ जाएगा फिफ्टी टू डिवाइडेड बाय ट्वेल्व माइनस वन। इसको यदि सॉल्व करते हैं तब ये जाएगा हमारे पास थर्टीन डिवाइडेड बाय थ्री, फोर से इसको हमने कैंसिल कर दिया है, और अगर हम ये माइनस वन की पावर हटा दें तब ये अपोजिट हो जाएगा थ्री बाय थर्टीन। तो दोस्तों ये हमारे पास निकला है पी जीरो। अब दोस्तों इसके बेस पर हम सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट ए। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमको निकालना है
प्रोबेबिलिटी w ग्रेटर देन 0 इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू पावर s डिवाइडेड बाय s फैक्टोरियल 1 माइनस रो इंटू पी जीरो। लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/4। एस की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल 1 माइनस रो, रो की वैल्यू कितनी है 5/8, और पी जीरो की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3/13। इसको यदि सॉल्व करते हैं तभी हो जाएगा 25/16, मल्टीप्लाई में चल रहा है 3/13। इसको सॉल्व करते हैं तब 8 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 8-5 दैट मीन्स 3। इसको यदि हम और सॉल्व करते हैं तब ये 3 से 3 कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, तब ये बचा है हमारे पास 25/52। इसको यदि सॉल्व करते हैं तब ये निकल कर आ रहा है अप्रोक्सीमेट 0.48। तो दोस्तों ये है हमारी प्रोबेबिलिटी पीक टाइम के लिए। सेकंड जो हमसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, डब्लू क्यू निकालना है। डब्लू क्यू का फॉर्मूला है हमारे पास एल क्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यदि हम यहाँ पे एल क्यू की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे 1/लैम्डा हम अलग कर रहे हैं, और एल क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो मल्टीप्लाई विथ एस रो पावर एस डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एस 1 माइनस रो स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ पी जीरो। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं 1/लैम्डा। स्टार्टिंग में हमने वैल्यू निकाली थी, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 1/4, दैट मीन्स 1/लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई विथ रो, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5/8 मल्टीप्लाई विथ एस रो, एस रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/4, और एस की वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल 2 1 माइनस रो, रो की वैल्यू है 5/8 स्क्वायर पी जीरो, पी जीरो की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3/13। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई विथ 5/8 इंटू 25/16 मल्टीप्लाई 3/13 मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड में है तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 को स्क्वायर करके ऊपर हम पहुंचाते हैं तो ये हो गया 64, डिवाइडेड में चल रहा है 2 इंटू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8-5 3 और 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9। इसको यदि हम और सॉल्व करते हैं तब 8 से 64 कैंसिल 8 टाइम, फिर यहाँ पर आपका 8 से 16 कैंसिल 2, 2 से 2 और 3 से 9 कैंसिल 3 और ये 2 से 2 कैंसिल, तब दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 39। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तभी निकल कर आ रहा है 3.2। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं और टाइम हमारा मिनट में चल रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3.2 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमने आज देखा है मॉडल 4 के लिए। अगर आपको आज का मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।